सुखराम द्वारा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर किए गए शाब्दिक हमले के बाद हिमाचल बीजेपी के तेवर मुकर हो गए हैं। प्रदेश पार्टी प्रवक्ता राम कुमार ने ऊना में मीडिया से मुखातिब होते हुए सुखराम को उनके घर से मिले करोड़ों रुपए की याद दिलाते हुए उन्हें और उनके परिवार को अति महत्वाकांक्षी बताया है। उन्होंने कहा कि सुखराम ने राजनीति में परिवारवाद की गलत एक परिपाटी तैयार की है जो सही नहीं है। सुखराम द्वारा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर किए गए शाब्दिक हमले के बाद हिमाचल बीजेपी की तेवर मुखर हो गए हैं। प्रदेश पार्टी प्रवक्ता राम कुमार ने पत्रकार वार्ता में कहा कि सुखराम को आज बरसों पहले मिले करोड़ों रुपए की याद नहीं है और आज उनका परिवार अति महत्वाकांक्षी बन गया है। उन्होंने कहा कि सुखराम ने राजनीति में परिवारवाद की एक गलत परिपाटी तैयार की है जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरा पंडित सुखराम जी से यही आग्रह है, उनसे मेरा यही प्रश्न तो मैं नहीं करना चाहता, उनसे अपेक्षा कहूंगा बल्कि आप जनता की यही अपेक्षा होती है कि आप अपने पोत्र के बारे में इतनी चिंता कर रहे हैं कि उसको टिकट मिले वो एमपी बने, क्या कांग्रेस पार्टी में या पूरे मंडी पार्लियामेंट में, कांग्रेस या बीजेपी किसी दोनों की बात मैं कर सकता हूं, कि क्या उससे योग्य व्यक्ति कोई नहीं है? क्या वही एक योग्य पोत्र है कि जो सांसद बने, मंडी इतना बड़ा लोक संसदीय क्षेत्र है वहाँ से संसद में चुनकर जाएँ? तो इस प्रकार परिवारवाद की जो एक प्रकाष्ठा पंडित सुखराम जी हिमाचल में स्थापित कर रहे हैं वो ना देश की राजनीति के लिए ठीक है ना प्रदेश की राजनीति के लिए ठीक है। और इससे पहले भी इस परिवार ने प्रदेश की राजनीति का, प्रदेश के राजनीतिज्ञों का बड़ा नुकसान किया है। हमें सबको हम मालूम है सबको कि करोड़ों रुपये जब पंडित सुखराम जी के घर से पकड़े गए थे तो पूरे देश में कोई यकीन नहीं कर रहा था कि हिमाचल के किसी पॉलिटिशियन के घर से करोड़ों करोड़ों रुपये मिलेंगे। ये किसी कोई सोच भी नहीं सकता था, इस परिवार ने वो भी करके दिखाया है। राम कुमार ने नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की आलोचना के बाद उन्हें मुख्यमंत्री की कृपा दृष्टि से ही विपक्ष का नेता पद दिए जाने की भी याद दिलाई। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी भलीभांति जानते हैं कि कानून क्या है, नियम क्या है, प्रक्रिया क्या है, और वो ये भी जानते हैं कि आप नेता प्रतिपक्ष आज जो बने हैं वो किसी कानूनी तौर पर तो नहीं बने हैं, वो पात्र नहीं थे, उनको तो विशेष कृपा से मुख्यमंत्री जी ने बनाया है। तो रही बात अनिल शर्मा जी की, तो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि जो एंटी डिफेक्शन कानून क्या है उसके बारे में मुकेश अग्निहोत्री जी खुद तो गुमराह हो सकते हैं लेकिन देश प्रदेश की जनता को वो गुमराह नहीं कर सकते हैं। तो हमने तो अनिल शर्मा जी से यही कहा है कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के द्वारा बनाई गई पार्टी है, यहाँ कार्यकर्ता वही कहता है जो पार्टी की तरफ से दिशा निर्देश होते हैं। आज पार्टी ने अगर पंडित रामस्वरूप शर्मा जी को पार्टी का प्रत्याशी तय किया है तो अनिल शर्मा जी का ये दायित्व बनता है, उनकी राजनीतिक दायित्व भी बनता है, उनका नैतिक दायित्व भी बनता है कि वो अपनी पार्टी के प्रत्याशी की मदद करें। लेकिन आज वो जिस प्रकार की बयानबाजी दे रहे हैं तो उनको भी चाहिए कि अगर वो अपना दायित्व ठीक से नहीं निभा पा रहे चाहे पुत्र के लिए चाहे पार्टी के लिए तो उनके एक तरफ आना चाहिए, पार्टी से त्याग पत्र देकर जाए पुत्र की सेवा करें। अगर पार्टी में सेवा करनी है तो उनको सीधे सीधे पूरे मंडी पार्लियामेंट में घूम घूम कर पार्टी के प्रत्याशी के बारे में काम करना चाहिए। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।